राइस जो प्लेन राइस जिसको अच्छे से पकाने के बाद इसको मिक्स करता है। ये टाइंग अंकल का घर आप यहाँ पे देख सकता है अभी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। होपफुली घर में सभी ठीक होंगे। मेरा मिशन को मैं कंटिन्यू कर रहा है। अभी जैसे आपने क्रीट बस्ती देखा, आफ्टर डेट अभी हम लोग बोरगुली बस्ती देखेगा। देन आफ्टर डेट वहाँ उसका आगे में जो बस्ती मिलता है उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी, हम लोग आगे बढ़ता है, वीडियो में बने रहे। एंड अभी फिलहाल मैं जस्ट क्रीट बस्ती को पार होने के बाद एक ब्रिज है, मैं वहीं पे रुका हुआ हूँ। और यहाँ पे आप कितनी खतरनाक व्यूज आप देख सकता है। लुक एट द व्यू गाइस। एंड अभी मैं एक आंटी का इधर मेरा हेलमेट और जैकेट रख दिया। तो अभी मैं बोरगुली बस्ती को घूम के आऊंगा, जाके आऊंगा। मैं चला शहर से दूर नदी के और पहाड़ों के बीच, सबसे दूर अकेले रहने तेरी यादें मुझको आए, समझ ना पाए वो गुजरी। नंको इडोन हिमना पोडोन नो बोरगुली रोलो होलो कया ओ इनको दोलु अरित को एको मा कारुन केनमान केनमान बिजिन केनमिन मा केनमिन गई मा आई हेराम सेराम आई हेराम तो मलो नाम सिंह आई नाम सिंह मा गबो मेर मेर ओ मेर गाडु मा आई मेर गाडु मिरोंग मासाम आसाम आई ओ अनिन अनिन दुइन दुन अनिन दुइन दुन ओ अच्छा। और ये अंकल अभी पतिर बना रहा है ये केले, परोक केले जो मुर्गियां है, मुर्गी लोग के घर की बना रहे। मुर्गी यहाँ पे बैठेगा, इतना बढ़िया तरीके से बना रहा है। टाइंग अंकल का घर आप यहाँ पे देख सकता है, अभी अभी तक कच्चा है। देन इन लोग अभी बड़ा घर से बनाने का प्लानिंग कर रहा है। नोक अंको अमिन अंको है नोक अमिन है गेम टाइम। सो अभी अंकल से मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी अंकल को भी पूछा तो बस्ती में कितना हाउस है अंकल को भी पता नहीं, तो अंकल ने बोला कि कोई और जानकारी जो रखते उससे पूछिए। बोरगुली और क्रीट बस्ती को कंपेयर करेगा तो मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि मैं अलग बस्ती में आया हूँ। घर स्ट्रक्चर, देन जिस तरीके से इन लोग का रहन सहन, आदमी सभी क्वाइट मिलता जुलता है यार, क्योंकि आमने सामने बस्ती, इसका वैसे शायद ये लोग मिलता जुलता है। एग्जैक्टली इन लोग का रहन सहन, घर बनाने का तरीका, एवरीथिंग सेम। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि मैं अभी दूसरा बस्ती में आ गया। सेम बस्ती में अभी भी हम गुजर रहे बोल के हमको ऐसे ही लग रहा है। और जैसे कि आपने मवो विलेज में जिस तरीके से लोकल आपोंग बनाते हैं आपने देखा, देन ये जैसे बोरगुली विलेज में जैसे पहुंचा, इधर भी इन लोग लोकल आपोंग बना रहे हैं। तो उधर तो मैं प्रोसेस आपको नहीं देखा पाया, जैसे ऊपर ही ऊपर देखा है। तो मैं चाहूँगा कि इधर किस तरीके से बनाता है आपको इधर भी मैं थोड़ा सा झलक आपको दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। एंड सबसे पहले तो आपको लोकल आपोंग बनाने के लिए इस तरीके से आपको चाहिए। दिस इज कॉल, हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग उधर अम्पे नोलू हिम का मंडन अजो नोलो अने नोलो अमियांग अम्पे ई अमियांग अम्पे लोकल में इसको बोलता है, जो धान जिसका अंदर में ग्रेन्स नहीं होते। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से पूरा खाला होने तक जलाता है। एंड आफ्टर डेट पूरा ये जलने के बाद ऐसे पूरा ब्लैक हो जाता है। एंड आंटी इतना बढ़िया स्मार्ट से यहाँ पर बना रहा है। और इसका बाद जितना यहाँ पर जला हुआ है तो यहाँ पे जमा कर देता है। जमा करने का बाद फिर इसका प्रोसेस आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और ऐसे ही जलाने का बाद बढ़िया तरीके से, इतना अच्छी तरीके से मिक्स करता है।
एंड यहाँ पे मेरा दीदी इतना अच्छा से मिक्स कर रहा है। ये जो जिसको मिक्स कर रहा है, ये राइस जो प्लेन राइस जिसको अच्छे से पकाने के बाद इसको मिक्स करता है। देन मिक्स करने के बाद बिल्कुल इस तरह दिखता है, ऐसा पूरा बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाते हैं। देन इसके बाद एक चीज़ डालता है यहाँ पे, ये यहाँ से मेनली बनता है, इसको बोलते हैं सीए। नोलू कपल लूडो नहीं, सीए। हाँ, इसको यहाँ से ही अपोंग देन अल्कोहल यही से ही बनता है। इसको अभी यहाँ पे जितना मिक्स किया इसको भी फिर मिक्स करेंगे, ये पाउडर जैसे चीज़ जो देख रहा है। इसका बाद इसको फिर प्रिजर्व करके बाल्टी में एक महीना ऐसे रखेगा। आफ्टर डेट फिर इसको का जो वाइन है उसको निकलेगा, उसका बाद बन जाता है फाइनल। खाना ऐसे ही बनता है, इसका बाद उसको वहाँ पे मिक्स करता है। अभी हम लोग जैसे अपोंग किस तरीके से बनाता है आपको थोड़ा सा झलक में प्रोसेस दिखाया, एंड अभी हम लोग आगे बढ़ेगा एंड आगे हम लोग जाके थोड़ा सियांग का नज़ारा देख लेते हैं, क्योंकि ये बोरगुली सामने से सियांग नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो फिर सामने हो जाता है, उसका थोड़ा झलक हम लोग थोड़ा देखे आता है। सोचा था कि सियांग थोड़ा सामने होगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा दूर पड़ेगा, मुझे बाड़ी पड़ गया। फिर भी कोई बात नहीं, मैं देखे ही आऊँगा। ओइंगोडू नया गोरु गोरु हम लोग कुला पे मोरू नया Komodi kelila, kut-kut kelila, sagor kelila. Ngulu ke Yemen ku aide hubang ngulu gudang kaimang, among kaimang. Dia asyik. अभी ये आंटी बता रहे थे कि अपना जो दुख तकलीफ है इसको थोड़ा शेयर कर रहा था। इन लोग बचपन में ये जितना अभी यहाँ पे है इधर ही खेलते रहता था, लेकिन अभी जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये ऐसा डैमेज कर दिया कि पूरा धीरे 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 हर साल करके पूरा पानी आते जा रहा। तो अभी तो पूरा बस्ती को भी उठाने वाला इस तरीके से वो बता रहा है। पहले तो ये जितना पानी उठाए पहले इधर उन लोग खेलता था, लेकिन अभी सियांग नदी का वजह से पूरा इन लोग टोटली डैमेज हो गया और बोरगुली टोटली डैमेज होने वाला है। और मैं अभी फाइनली बहुत थोड़ा सफ़र करने के बाद मैं ब्रह्मपुत्र यानी कि सियांग नदी पे पहुंच चुका हूँ। अभी आप देख सकता है कितनी खतरनाक वाली व्यूज है गाइस, कितनी खतरनाक है देखिए। और आप देखिए द सुपर पावर ह्यूज सियांग रिवर द ब्रह्मपुत्र। अभी तो यहाँ पे छोटा सा आप दिखाई दे रहा है, लेकिन इन लोग डिवाइड करके उस तरफ पानी आ रहा है, इस तरफ जा रहा है, ऐसे करके पूरा पानी टोटली डैमेज कर रहा है। और अभी मीलों दूर तक आप कहीं कहीं इतना पानी दूर दूर दिखाई दे रहा है, कई जगह पर आइलैंड्स है, कई जगह पर एक ऐसा बालू जमा करके बैठा है। तो ये कभी भी एक ऐसा पानी है, अभी इतना छोटा देख रहा है फिर भी ये एक ऐसा पानी है जो मानसून का समय में ऐसा भयानक हो जाता है, ऐसा ह्यूज हो जाता है जो कि कभी भी प्लांट कभी भी ये बस्ती को भी उठा सकता है, ऐसे बड़ा हो जाता है। हालांकि यह बस्ती वाला अभी प्रोटेक्शन के लिए बांध बना रहा है पत्थर से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से भी प्रोटेक्ट होगा। तो इसको मुझे लगता है कि प्रोटेक्ट करने के लिए इतना बड़ा बांध उठाना पड़ेगा, तभी पानी से थोड़ा बचने का चांसेस है। सच में यार ये सिगार और ये बोरगुली लुक का जो प्रॉब्लम है ना, जो हर साल प्लाट से इन लोग का घर डैमेज हो जाता है, इन लोग का ज़मीन डैमेज हो जाता है, यही है डिसएडवांटेज जो प्लेन एरिया का। देन बाकी बात तो जैसे कि मबो एरिया देन गोफोक बोलने से इन लोग
बच जाएगा बिकॉज उन लोग का थोड़ा दूर हो गया सियांग से, देन उधर थोड़ा हिली टाइप से इन लोग का जो जहाँ पे रह रहा है ना। लेकिन जो बोरगुली सिगार इन लोग का तो क्या ही बोलेगा, देखिए पूरा बहुत क्या ही बोलेगा, मतलब वी कैन हेल्प देम बिकॉज दिस इज़ द पावर ऑफ एंड एक्शंस ऑफ मदर नेचर। नेचर का जो नेचुरल वाला चीज़ को वी कैन अवॉइड दिस। और भाई साहब आप देख सकता है कितनी खतरनाक वाली व्यू से। और गाइस अभी मैं फाइनली बस्ती में फिर पहुंच चुका हूँ और अभी हम लोग कंटिन्यू बढ़ेगा और दिखेगा बोरगुली विलेज। कीद बस्ती और जो बोरगुली बस्ती घर रहन सहन थोड़ा क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा सा जस्ट डिफरेंट है। मैं वहीं में भी घूम फिर के वही सेम जगह से मेन रोड पे निकाला है, अभी भी मैं ऐसे ही घूम फिर के मेन रोड की ओर निकल रहा हूँ। सो अभी मैं फाइनली मुझे लगता है कि मेरा डेस्टिनेशन आगे है, शायद मेन रोड मिल जाएगा मुझे। ये ओके वहाँ से आगे सेरम निकल जाएगा ना। ओके ठीक है, अभी मुझे अंकल बता रहा है कि दिस इज मेन रोड। तो मैं कंफ्यूज हो गया, शायद मेरा गाड़ी शायद वो थोड़ा आगे दूर रखा है। सेव योर सेल्फ सेव वाटर, हर घर जल, जल जीवन मिशन, पीएचई डिपार्टमेंट। वाओ कितनी बढ़िया स्लोगन है, जल से जीवन मिशन। माय गॉड, पानी ही सब कुछ है, पानी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मेरा बाइक शायद मैं आगे रखा था। और मैं अंठी के उधर पहुंच गया वापस, जहाँ मैं सुबह हम पहले शुरू किया था वीडियो, स्टार्ट किया था बस्ती का घूमना। अभी आंटी का दुकान में फिर मैं पहुंच चुका हूँ और अभी थक गया, बहुत गर्म भी हो गया। अगर गर्म दिन होता ना यार, कीमा बन जाता। और मैं यहीं तक वीडियो को एंड करना चाहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।